मीन राशि में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है शनि का 7.5ई। ओके, और ये 7.5ई को फेस करना है मीन राशि में। और बाकी मीन राशि है तो इस उम्र में बात का रोग होना और मन में थोड़ा सा भारी रहना, खर्चा में वृद्धि होना, और किसी किसी मीन राशि का थोड़ा सा ये समय थोड़ा, क्योंकि आने वाला 100 दिन थोड़ा सा एक्सीडेंटल प्रोन हो सकता है, इसलिए रोड वगैरह में या घर का सेफ्टी को ज़्यादा ध्यान देना है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, ये सारा चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, ठीक है। और कभी कभार ब्रीदिंग डिजॉर्डर होने का भी संभावना इस समय रहे। उनके कुंडली में भी गुरु चांडाल लगा हुआ है 9th हाउस में, तो संभवतः ब्रीदिंग डिजॉर्डर या ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीज़ का भी संभावना रहता है, ठीक है। लाइक अस्थमेटिक अटैक या श्वास में भारीपन लगना, इस प्रकार का समस्या कहीं ना कहीं ये 7.5ई के दौरान भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार का मिलने का संभावना रहता है, ठीक है। तो इसके लिए अभी शनि बाबा के लिए जो भी जो प्रिकॉशन है, जनरली 7.5ई का प्रिकॉशन है, अष्टदान करना, पीपल वृक्ष में जाके तेल देना, दिया देना, तेल का दीप देना, ठीक है, हनुमान चालीसा करते रहना, और पॉसिबल है तो जितना ज़्यादा हो सके वो जो हनुमान जी का मंत्र का जाप करना, शनि बाबा का मंत्र जाप करना, ये ज़रूरी है, ठीक है। और मीन राशि है और इसमें राहु का महादशा चल रहा है, तो मन में बहुत प्रकार के उथल पुथल होना, भ्रम भय उत्पन्न होना, और मानसिक लेवल पे कहीं ना कहीं एक अस्थिरता बना के रखना, इस प्रकार का बेसिक समस्या अभी मीन राशि वालों का थोड़ा सा रहेगा। और खर्चा में अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ा आपके लिए एक पॉजिटिव पार्ट रहेगा, जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। और अभी मीन राशि वाले अप टू अक्टूबर थोड़ा सा दे फील लाइक नो कंप्रेशन, मतलब आगे राहु पीछे शनि बंधा हुआ जैसे लगना, तनाव से ज़्यादा बढ़ना। और जो सबसे बड़ा मीन राशि का आने वाला समय, मतलब आफ्टर अक्टूबर क्या होगा, मीन राशि चंद्रमा के ऊपर ही राहु आ रहा है, और यही सबसे बड़ा पिकुलियर टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि एक तरफ राहु का महादशा है और उसी समय राहु मीन राशि में आना, तो ये सबसे बड़ा थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट बिल्डअप करने का संभावना है। एक तरफ द्वादश में शनि, एक तरफ लग्न में राहु। डरने का कोई विषय नहीं है, ये जैसे आपकी फैमिली में थोड़ा सा समस्या है और साथ में ये 7.5ई का इफेक्ट है, इस समय थोड़ा सा जितना ज़्यादा प्रिकॉशन ले सकें, अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, प्राणायाम करना, मॉर्निंग वॉक में जरूर जाना, घर में बैठे बैठने का इच्छा होगा, काम करने का इच्छा नहीं होगा, घूमने का इच्छा नहीं होगा, कुछ करने का इच्छा नहीं होगा, तो जितना ज़्यादा नहीं करोगे और जितना इनर्ट होके घर में बैठे रहोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा, जंगल की ओर चलना, गांव देहात की ओर चलना, रोड में थोड़ा सा ज़्यादा वॉकिंग करना, लेकिन अभी 2 महीना ज़्यादातर रोड में वॉकिंग नहीं करके उस साइड में वॉकिंग करिए जहाँ पर ट्रैफिक कम है, जहाँ पर बड़े गाड़ी वगैरह नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि मंगल का दृष्टि मीन राशि के ऊपर सप्तम सप्तक दृष्टि कन्या राशि से आ रहा है, और फिर आपके धन और वाणी के स्थान पे राहु के ऊपर आ रहा है। ऐसे कंडीशन पे मुंह में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना, छाला पड़ना, चाय पीते पीते मुंह में जलन जलना, और मानसिक लेवल पे और वाणी के लेवल पे किसको क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आना, कभी कभार मुंह से ऐसा कुछ बात निकल जाएगा बाद में दूसरे को कष्ट हो जाए, और जिसके लिए रिलेशन ख़राब हो, कभी कभार ऐसा कंडीशन जहाँ अपने लोग धोखा दे देना। पैसा इस समय किसी को भी नहीं देना चाहिए, अगर पैसा दे देते हो तो वो वापस मिलने का संभावना थोड़ा सा कम रहता है। तो इस समय अपने बिना कोई पेपर पढ़े सिग्नेचर नहीं करना, कोर्ट कचहरी माली मकदमा से दूर रहना,
क्योंकि राहु आ रहा है लग्न पे। इसमें क्या होता है कि आप केस कर रहे हो और आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन देखा कि उल्टा केस आपके सर पे आ गया है, मतलब झूठा झूठा सिस्टम पे फंसने का संभावना इस समय रहता है। तो क्योंकि यहाँ प्रिकॉशनल मेजर्स थोड़ा सा लेना है। नेक्स्ट ये है कि क्योंकि आपके कुंडली में 3-9 का कालसर्प योग है, अगर जिंदगी में कभी कभार कालसर्प दोष निवारण किए हैं तो अच्छा है, अदरवाइज़ ये समय क्योंकि आदमी 60 साल के बाद आदमी सठियाता है, सठिया जाने से बुद्धि काम नहीं करता है, उल्टा सीधा निर्णय लेना चालू करता है, कभी कभार एक्सेसिव क्रोध हो जाना, कभी कभार एकदम शांत होना, कभी कभार पड़े रहने का इच्छा होना, कभी कभार कुछ नहीं करने का इच्छा होना, कभी कभार नेगेटिव थॉट ऐसे बिल्डअप होगा जो कि लगेगा कि और कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी बर्बाद हो गया, शायद मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया या और कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार का नेगेटिव थॉट दिमाग में आने के कारण शारीरिक लेवल पे रोग बनना। राहु महादशा और नवम का राहु, पंचम का राहु, लग्न का राहु भ्रम जनित रोग देते हैं। शरीर में रोग नहीं है, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट कुछ भी नहीं निकलता है, जितना भी टेस्ट करेंगे आपको लगेगा कोई कुछ भी रोग डॉक्टर बोलेगा, लेकिन आपको रोग लगेगा, आपको दर्द देता होगा या आपको पीड़ा होता होगा या आपको मानसिक लेवल पर भय आएगा। सबको ऐसा होगा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संभावना रहता है, क्यों अभी नहीं है तो आने वाला समय में कुछ हद तक संभावना रहता है। ऐसे कंडीशन पे व्यक्ति को डॉक्टर के पास मैं मना नहीं कर रहा हूँ मत जाओ बोल के, जरूर जाओ, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके रुद्राभिषेक और शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप या फिर मृत्युंजय मंत्र का जाप, ठीक है, और उसका हवन करवा लेना चाहिए। इससे ग्रह का शांति होता है और इस जनित जो समस्या है, देखो जिसका नवम में राहु रहता है या गुरु चांडाल लगता है, ज़्यादा पूजा पाठ में उतना मन कभी कभार कभी लगता है कभी नहीं लगता है, कभी कभी पूरा नास्तिक भी हो जाते हैं, ऐसा भगवान भगवान कुछ नहीं है, मेरे को दुख मिल गया, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, कौन भगवान को पूछेगा, ऐसा अगर बाई चांस मन में आता है, ऐसे मानसिकता से थोड़ा सा हटना है, या तुम पूजा कर लो, हम नहीं करेंगे, हम बूढ़ा हो गए, अभी क्या करना हमको पूजा करके, मेरा तो हो गया, इस भावना से क्या होता है राहु और ज़्यादा उग्र होने लगता है और शांत नहीं होता। तो राहु को यहाँ शांत करने के लिए और गुरु चांडाल का निवारण करने के लिए आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, शिव मंदिर हो, कोशिश करके जितना ज़्यादा हो सके रुद्राभिषेक रुद्र यज्ञ करते रहना है, और रुद्र अभिषेक और रुद्र यज्ञ का जो भी वहाँ से राख निकलेगा हवन का उसको फेंक नहीं देना है, उसको अपने पास रख के कोशिश करेंगे कि वो हवन ओरिजिनल चीज़ में करें, ओरिजिनल देसी गाय का घी, आम का लकड़ी, साकल्य, एंड वो ही सबसे बड़ा बढ़िया मेडिसिन होता है ऐसे कंडीशन में, राहु महादशा और गुरु चांडाल के कंडीशन में प्लस शनि के 7.5 में, ठीक है, ये इसका बेसिक बात है। और अगर इस समय उम्रदार होने के कारण बात का रोग, कमर में दर्द, मसल्स में पैर में दर्द और काप मसल में यानी घुटने के नीचे में दर्द हो रहा हो तो सरसों का तेल और लहसुन इसको अच्छा से थोड़ा सा पाक करके उसको थोड़ा सा आग में दे के उसको बोतल में पैक करके रखना है और उसको मालिश करते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं करे तो खुद रात को सोने से पहले अपने नाखून में और अपने पैर में तेल जितना ज़्यादा दे सकें, क्योंकि राहु का महादशा, शनि का 7.5 और मीन राशि, ये तीनों एक प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट बिंदु है कि कुछ दान करते रहना, जैसे गरीबों में या वर्कर्स में या निचले लोगों को काला जूता, काला छत्ता, काला चप्पल, काला कपड़ा, काला कंबल, इस प्रकार का अपने जितना संभव है शक्ति मुताबिक कुछ ना कुछ दान करके प्रणाम करना और शनि बाबा को कान पकड़ के अपना माफ़ी मांगते रहना, ठीक है, मेरे से अगर कोई गलती हो गया तो मुझे माफ़ किया जाए करके, तो इसमें एक पॉजिटिव रिज़ल्ट 7.5 के समय में मिलता है। और कोई भी ऐसे नेगेटिव इंसिडेंट इवेंट हो अगर आपके साथ, बहुत सारे होते हैं शनि के 7.5 में, बहुत सावधान रहना चाहिए। देखो कोई रास्ता में चल रहा है, अभी जितने केसेस हुए हैं मैं मीन राशि वालों का, मेरे पास जो रिपोर्ट है, एक तो गाड़ी रास्ता में थी उसके पैर में गाड़ी चढ़ गया, दूसरा मतलब खाना बना रही थी उसके मुँह में गर्म तेल गिर गया,
तीसरा इलेक्ट्रिकल काम कर रही थी और उसका मुंह में इलेक्ट्रिक तार चबा के रखी थी, कोई ऑन कर दिया करंट लग गया। तो ये सारे चीज़ से थोड़ा सा जितना ज़्यादा सुरक्षा को मेंटेन कर सकें उतना बेहतर है, और जिसका ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ वगैरह है उनके लिए तो ज़्यादा सुरक्षा मेंटेन करना चाहिए। मारेगा नहीं लेकिन कष्ट दे देगा। शनि साढ़े साथी में इतना जल्दी मृत्यु नहीं होता है, और यहाँ राहु जो कंडीशन में बैठा है ये मार्केस के कंडीशन पे नहीं बैठा है कि मरने का डर है, कष्ट पाने का डर है। देखो मर जाए तो आदमी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिंदा रह के कष्ट पाए उससे बड़ा तकलीफदायक विषय क्या हो सकता है। तो तकलीफ से बचने के लिए रास्ता बनाइए, क्योंकि ज़िंदगी में 50 साल के बाद वानप्रस्थी जीवन होता है, सुखद जीवन होता है, और इस समय जो व्यक्ति जीने नहीं सीखता है उसको सुख की जगह में दुख मिलेगा। तो दुख कैसे मिलेगा? मानसिक दुख मिलेगा, अरे मेरा बेटा का ऐसा नहीं हुआ, मेरा घर में ऐसा नहीं हुआ, मैं ऐसा करना चाहता था नहीं हुआ, मैं ऐसा ऐसा मेरा सपना था नहीं हुआ, ये सारे थॉट्स मन में बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये मोह मुद्गर में भी बताया गया है, वृद्धम बेवती तस्मिन काये, बुढ़ापे में इस प्रकार का आधिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक दुख ताप तापत्रय ये सारे हमारे जीवन में आते हैं, और जिसके लिए हम खटिया में पड़े हैं हंसते रहते हैं लेकिन अंदर दुख भूखते रहते हैं। तो इससे निवारण करने का एक ही उपाय है कि जितना ज़्यादा जाप कर सकें। कलयुग में हरिर्नाम 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 केवलम बताया गया, भगवत नाम का ही स्मरण करना, मन में इधर उधर का सोचना और अपने मन के हार्ड डिस्क में कचड़ा भर के रखने से अच्छा है भगवत नाम का जितना ज़्यादा हम लोग स्मरण कर सकें, ईश्वर नाम का जितना ज़्यादा बार बार लेना, और अगर शरीर में शक्ति है तो तीर्थाटन करना। शनि साढ़े साथी में द्वादश शनि बहुत घुमाता है, इधर उधर घुमाने से अच्छा है कि तीर्थाटन में जाएं, अगर शरीर में शक्ति है तो तीर्थ में खर्चा करें, तो यहाँ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है। और ये जो भी ग्रह परिस्थिति है इनका शांति होता है तीर्थाटन करने से, भ्रमण करने से, तीर्थ स्थान में जाने से, भगवत स्थान में जाने से। ठीक है, शनि के साढ़े साथी में द्वादश शनि चल रहा है और डेढ़ साल बाकी है। इस डेढ़ साल के अंदर बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं विगत जनवरी से, लेकिन यहाँ पर जो आपके पिताजी का कुंडली में छठा स्थान रोग रिपु ऋण का स्थान को अगर हम लोग लग्न से देखते हैं, इसका मालिक थोड़ा सा मजबूत है, तो उतना ज़्यादा संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन भय रहेगा, मानसिक फोबिया रहेगा। ठीक है, और अगर हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे, व्यायाम वगैरह नहीं करेंगे, बुढ़ापे में जो व्यायाम होना चाहिए आफ्टर 60 आफ्टर 50 अगर नहीं करते हैं, तो इसका गारंटी तो नहीं दिया जा सकता है कि हॉस्पिटल का खर्चा नहीं होगा बोल के। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है तभी जाके। ठीक है, शनि तभी साढ़े साथी में ठोकता है जब आपके कुंडली में जो दुर्योग हैं उसका निवारण नहीं हुआ है। तो जैसे पकड़ लो कुंडली में काल सर्प है, पितृदोष है, या किसी का कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, और साढ़े साथी से पहले या साढ़े साथी के दौरान इसका अगर शांति नहीं करते, निवारण नहीं करते, वो जो मैलिफिक एनर्जी आपके कुंडली में भरा पड़ा है, जो भी दंड दुख कष्ट पीड़ा आएगा वहीं से आता है और कहीं और से नहीं आता है। साढ़े साथी से पहले कुंडली विश्लेषण इसलिए करवाना चाहिए कि आने वाला समय साढ़े सात साल में मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, कुंडली के अनुसार, शनि के पोजिशन के अनुसार मेरे जीवन में क्या क्या घटनाएं आएंगे। ठीक है, तो जैसे नवांश कुंडली में ये ग्रहण योग बना के रखा है तो मान सम्मान का हानि होना, ठीक है, और मतलब धन हानि हो जाना किसी भी कारण, बिना फालतू का कोर्ट कचहरी माली मकदमा हो जाना, या घर में बहस छेड़ना, बिना मतलब का बहस छेड़ना, इस प्रकार का समस्या आना। ठीक है, चतुर्थ लग्न से और चंद्रमा से शनि अगर ये द्वितीय स्थान में है तो शोक होना मन में, मतलब ऐसा दुख जो दूसरे को कह नहीं सकते और सह नहीं सकते, मन में बार बार वो होते रहना और उसका कारण ढूंढते रहना, ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं था लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसका प्रश्न ढूंढते परेशान हो जाओगे, नहीं मिलेगा, जिसके लिए मन में बहुत सारा दुख आ जाते हैं।
और रोते रहते हैं। और आपका यहाँ आपका पिताजी का एक चीज़ क्या है, जो चंद्रमा है मीन राशि का चंद्रमा है, नवांश कुंडली में भी चंद्रमा है, ठीक है। तो बुढ़ापे में शुक्र के साथ बैठना, तो मन में बहुत सारे आशा रहना, आकांक्षा रहना, कामना वासना रहना, इंटरनली बाहर नहीं दिखाई देगा, इंटरनली रहेगा, तो जिसके लिए उसका भी दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। इस रिलेटेड जो भी कष्ट है उसको निवारण करना है, तो मैं कहूँगा कि किसी भी आपके घर के आसपास, जैसे आपके घर के पश्चिम दिशा में शिव मंदिर होना चाहिए आपका कुंडली के अनुसार, जो स्वयंभू शिव मंदिर हो, तो वहाँ पर जाके आपके पिताजी के नाम पे राहु का महादशा, देखो एक तो राहु का महादशा में बहुत सारे भ्रम होते हैं, भूल होते हैं, भटकाव होते हैं, समझ में नहीं आता है क्या सही क्या गलत, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति सही निर्णय ले नहीं पाता है, और फिर मानसिक विभ्रमता जनित रोग इत्यादि होते हैं। ऐसे कंडीशन पे जितना सहज जल्दी हो सके इनका रुद्राभिषेक कराना, कालसर्प दोष का शांति करना, और शिव पंचाक्षरी मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप और हवन करवाना। क्लियर? हाँ, देखो मीन राशि का जितने सारे इनकम सोर्स है, आने वाला समय में कुछ हद तक डाउन जाने का पूरा संभावना है। 7.5 में मैं जितने भी देखा हूँ आज तक, एट द टाइम ऑफ पीक 7.5 देखना, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हो कि 7.5 लगा है और लॉस नहीं होगा। एक भी केस में जीवन में नहीं देखा, वो मतलब लाखों में बाई चांस एक दो है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो उसका ओरिजिनल कुंडली नहीं रहता है। लेकिन 7.5 लगेगा और धन स्थान के ऊपर शनि का दृष्टि रहेगा, तो सीवियर लॉसेस का संभावना रहता है। इसलिए बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। मत करो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, काम बंद कर दो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 90% चांसेस है धोखा खाना ऑन द इकोनॉमिक फील्ड। क्योंकि 7.5 में शनि का पहला काम रहता है कि आपका इकोनॉमी जोन को क्लोज डाउन करे, शट डाउन करे। द्वादश में रह के तीसरा दृष्टि आपके धन स्थान में जाएगा, और धन स्थान शनि का निचस्त स्थान है, और आपके पिताजी का कुंडली में मीन राशि में ही द्वितीय स्थान नवांश में बैठा हुआ है शनि। तो ऐसे कंडीशन में अभी अगर कुछ नहीं हुआ तो ये मत आशा रखिए कि आगे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन डरा नहीं रहा हूँ बिना फालतू का, ये नहीं सोचना कि डरा रहा है बोल के, मैं केवल आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं केवल आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि ये संभावना है, होगा ऐसा गारंटी नहीं है, ठीक है। देखो इन्वेस्टमेंट एक विषय क्या है, ये जो भी आप शेयर सट्टा लॉटरी जुआ और क्या क्या सब कर रहे हो ना, तो ये एक ऐसा विषय है जो सबसे पहले मार्केट को स्टडी किया जाता है, और मार्केट में डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ऐसे कुछ है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें लॉ फ़ायदा कम है लेकिन रिस्क नहीं है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि रिस्क लेस जोन पे इन्वेस्ट करिए, रिस्कफुल जोन पे एकदम इन्वेस्ट मत करिए। इस समय लोभ आता है मन में कि यहाँ डाल देंगे तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाने से इतना हो जाएगा, और डाल तो दिए और देखा कि लास्ट में सब कुछ ले दे के जीरो नहीं हो जाए। इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए इस कंडीशन पे। बहुत लोग विगत दिनों में भी मैं देखा हूँ, मकर वाले, कुंभ वाले, धनु वाले ऐसे इन्वेस्ट करके बाद में उनको पछताना पड़ा है। तो आपका तो किस्मत अच्छा है कि आप बिफोर 7.5 का जो पीक पीरियड है उससे पहले ये प्रश्न कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, इट इज़ गुड फॉर यू। थोड़ा सा सावधान होके बहुत सोच समझ के आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और जहाँ आपको थोड़ा भी रिस्क लगे, जहाँ नॉन रिटर्न कंडीशन है, वहाँ पर अभी इन्वेस्ट करना सही नहीं है। और मेरा आकलन ये है कि जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे जाओगे, क्योंकि अभी ऑन 7.5 फर्स्ट फेज, ऑन 7.5 सेकंड फेज, रिटर्न का आशा करना बेकार है। तो लॉन्ग टर्म पे जाओ तो क्या होगा, उस समय 7.5 ख़त्म होता रहेगा, तब तक आपका कंडीशन सही रहेगा। तो यहाँ दो ही सूत्र है, इफ़ यू हैव सम एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज देन आपको उसमें इन्वेस्ट करने का सोचना है जो आपके राशि से, आपके लग्न से फ्रेंडली शेयर्स हैं,
और जो आपके अगेंस्ट शेयर हैं, अगेंस्ट राशि का शेयर है जिसका नाम नामाक्षर आपके 6, 8, 12 का है, उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो। और जिसका नामाक्षर आपके मित्र में जा रहा है, धन का घर में जा रहा है, सुख के घर में जा रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये पहले ढूंढिए कि आपके लिए फेवरेबल राशि और फेवरेबल जो टाइम जोन है उसके अनुसार आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर एस्ट्रोलॉजिकल नहीं देखना है कोई बात नहीं, रिक्स जहाँ पर है जो मन में 7.5 में क्या होता है ना, शनि 7.5 में 25वां नक्षत्र में शनि आके आदमी को मूर्ख बनाता है, लोभी बनाता है। उसके मन में ऐसे ऐसे प्लानिंग देता है कि यहाँ इतना भरोगे तो इतना आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भर दो, और रॉन्ग डिसीजन करवा देता है, जिस रॉन्ग डिसीजन के कारण आगे चल के बहुत बड़ा ह्यूज लॉस सहना पड़ता है। फिर लोग मेरे को रो रो के फ़ोन करते हैं, गुरुजी एक समय में हम करोड़पति अरबपति मिलियन ट्रिलियन थे, आज हम लोग पाव भर चावल खरीदते हैं तो खाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए अभी से सावधान रहना चाहिए। हाँ, मीन राशि के लिए, मीन लग्न के लिए सोना ठीक है, लेकिन कुंभ लग्न मकर लग्न जो शनि का हाउस है इसके लिए सोना बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं जाता है, ठीक है। और गुरु चांडाल लगा हुआ है, गुरु के साथ राहु को ऑब्जर्व कर दिया है, तो ऐसे कंडीशन पे सोना गुरु हो गया और राहु उसको ऑब्जर्व कर रहा है डिग्री वाइज, तो ऐसे कंडीशन पे सोना से प्रॉफिट होगा ये मुझे नहीं दिख रहा है, जनरल लेवल पे ये नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं सोना उतना नहीं करो बोल के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उतना मत करो जहाँ पर रिस्क हो जाएगा। नहीं, जिसका 7.5 है उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, ताकि इस समय आपको, आप ये भूल जाओ, देखो पैसा इन्वेस्टमेंट ये शेयर सट्टा बिजनेस में, लॉटरी जुआ में और इस प्रकार के म्यूचुअल इत्यादि में, उन पैसा को इन्वेस्ट करो जो पैसा आपके लिए अनयूज्ड है या एक्स्ट्रा है, या जिस पैसा को आप अभी नहीं मिलने से भी चल जाएगा, लेकिन आपका फ्लो मनी है, जो आपका रोटेशनल मनी है, जो एसेंशियल मनी है, उसको इन्वेस्टमेंट करना और उससे कोई आशा करना कि अभी आ जाएगा, अभी चलेंगे, इससे मेंटेनेंस कर लेंगे, वो एक गलत निर्णय होगा। नहीं, देखो घर बनाने का जो परिस्थिति पहले से अगर चालू कर दिए हो बिफोर 7.5, तो मैं कहूँगा जितना जल्दी हो सके ख़त्म करिए, क्योंकि राहु घुसने के बाद मीन राशि में और यहाँ शनि मार्गी होकर टुवर्ड्स यू जाने के समय में मीन राशि का केतु सप्तम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन एक ऐसा रहेगा जिस समय आप ये आशा करोगे कि हमको बाकी काम फिनिश करेंगे, वो होता नहीं है। 7.5 में बहुत सारा जब पीक पीरियड उठता है, बनते बनते काम बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो बुद्धिमता काम यही है कि जितना जल्दी हो सके डबल लेबर लगाओ, डबल खर्चा करो, लेकिन काम फिनिश करो, ठीक है। और ऋण लेके काम नहीं करना इस समय, ऋण लोगे तो 7.5 साल के बाद ही जाके चुकता होता है, इतना आसान नहीं होता है 7.5 माने ऋण चुकता करना। तो मेरा हार्दिक इच्छा रहेगा कि अक्टूबर ख़त्म होते होते यू फिनिश ऑल द वर्क्स, ठीक है। अदरवाइज ये राहु आ गया एक बार मीन राशि में और शनि धीरे धीरे कंजक्शन करने लगेगा तो फिर आपको होने नहीं देगा। और अगर चलो हो भी जाएगा तो मैं कहूँगा चलो ये 1.5 साल खर्चा का टाइम है, खर्चा करके कर लोगे, लेकिन उसके बाद जब लग्न के ऊपर, द्वितीय के ऊपर शनि आएगा तो और ज़्यादा डिले कर देगा, ठीक है। देखो भगवत, जिसको जिसमें भक्ति है उसको पूजा करना चाहिए, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर इनके दिमाग में लग गया है कि शनि मेरा भगवान है, शनि मेरा इष्ट है, तो पत्थर पूजा करने से मिल जाता है, शनि पूजा करने से क्यों नहीं मिलेगा। और शायद यही कारण है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो 10-20 साल से शनि बाबा को घर में रख के पूजा कर रहे हैं, शायद ये भी कारण है कि मीन राशि का 7.5 में 70% 80% लोगों को पनिशमेंट मिलना चालू हो गया, इनको अभी तक नहीं मिला है। इज़ ए गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, आई अप्रिशिएट दिस। बाकी रह गया कि घर में रख के पूजा करना चाहिए नहीं चाहिए, देखो शनि बाबा को घर में जनरली रखने के लिए मना किया गया है, लेकिन अगर कोई भक्ति भाव से रखे, भक्ति भाव से अगर रख के पूजा करे, उसको मना करना पाप लगेगा। उनके मन में शनि बाबा के प्रति भक्ति है, भाव है, शनि बाबा के प्रति इनके दिल में जगह है, घर में रखें चाहे हृदय में रखें तो जरूर रख सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना शनि शनि है, अपना बाप को नहीं छोड़ा हमें क्या छोड़ेगा।
बस इतना बोलना है कि इनके शनि बाबा के आँख में नहीं देखना, पैर में देख के जो भी करो उनके आईज में नहीं देखना है। और मेरा हार्दिक इच्छा रहेगा कि शनि बाबा को हमेशा नीला कपड़ा में ढाक के रखना चाहिए। अगर आप इसमें कोई सेफ, देखो उनको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि शनि के साथ ऑब्जर्व हो चुके हैं ये, ठीक है। शनि इनको ऑब्जर्व कर चुका है, अब जिसको शनि ऑब्जर्व कर लेता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबके लिए नहीं। इनका लग्न उतना मजबूत है इसीलिए शनि ऑब्जर्व किया। स्वक्षेत्र शनि क्षेत्री हैं, मीन कुंभ लग्न के हैं, तो बॉडी में तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन आप बाकी आदमी जैसे आप परिवार में हो, यू आर नॉट ऑब्जर्व बाय दैट सैटर्निक एनर्जी, तो यू पीपल आर मे इन प्रॉब्लम, तो आप लोग उनके सामने मत जाओ, मतलब शनि के सामने मत जाओ। और जाते हो तो उनको नीला कपड़ा में सम्मानपूर्वक इज्जत से भक्तिभाव में उनको, हम लोग उड़िया में बोलते हैं पोहड़ो पका के रखना, मतलब जैसे सोचो किसी के घर में काली सूट नहीं करता, लेकिन उस घर परिवार में एक आदमी है जो काली माँ को भक्ति करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, काली माँ को उघाड़ो मत, उसको काला कपड़ा में ढाक के बाहर से पूजा करो। जैसे उदाहरण देता हूँ, वाल्टियर डू यू नो वाल्टियर, नहीं जानते हो ना, ये हमारे आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर में है, नरसिंह भगवान का मूर्ति है पहाड़ के ऊपर, ठीक है। उसमें नरसिंह भगवान को डायरेक्ट केवल साल में एक बार देखते हैं, और होल ऑफ द ईयर उसको चंदन में ढाक के रखते हैं, ठीक है। और साल में एक बार वो चंदन खोला जाता है। तो ऐसे जो उग्र देवी देवता हैं जिनके नज़र में उग्रता है, प्रखरता है, उनको जनरली कपड़ा में ढाक के रख के पूजा करने का विधान बताया गया कि उनका नज़र हमारे ऊपर नहीं पड़े। क्लियर? हाँ बोल बोल। हाँ नहीं, इस समय देखो शनि का साढ़े साती का पीक पीरियड है, षड्यंत्र चल रहा है, वो जिस स्कूल में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं वहाँ का टीचर षड्यंत्र करेंगे, क्योंकि उनके लिए ये कष्ट का कारण बनेंगे। और इस समय जाके एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में रहना, बहुत सोच समझ के रहना चाहिए, इस समय बहुत ज़्यादा समस्या रहता है, उनको समझ में नहीं आएगा, इनको यूटिलाइज़ कर देंगे। इनका शनि और इनका कुंडली ये कह रहा है कि साढ़े साती के पीरियड में 10 फुट दूर से रह के काम करो, लेकिन इन्वॉल्व मत हो, किसी को पनिशमेंट मत दो, निचले वर्कर के साथ मिसबिहेव मत करो, अभी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पीछे मत पड़ो, दूसरे के कंधे में बंदूक रखा हो गोली मारो, लेकिन अपने पे दायित्व मत लो। आप दायित्व लोगे तो आपको फंसाया जा सकता है, कोई भी पेन पेपर ऑफिशियल पेपर मैटर में फंसाया जा सकता है। लड़की औरत टीचर फीमेल से एकदम दूर बरतना है, उनके पास नहीं जाना है, दूर से बात करना है। आपको कुछ भी करके कैसे भी करके फंसा के बदनाम करने का संभावना है, होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, संभावना कह रहा हूँ। मैक्सिमम साढ़े साती में ऐसा ही होता है कि किसी भी अब इस उम्र में आप जा रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन में समझाने के लिए या संभालने के लिए, और उनको तो पसंद नहीं होगा। और साढ़े साती में क्या होता है, अपने लोग आपको धोखा देंगे, अब जो विश्वास करता है मुँह में मीठा मीठा बोलता है, पीछे आपका एनिमी रहेगा 100%। जो आपके सामने नमस्कार करता है पीछे छुरी लेके घूमेगा, आपको बदनाम करेगा, आपके पीठ पीछे आपका निंदा गान करेगा, ये साढ़े साती का बेसिक इफेक्ट है। तो आप अभी एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे और सबको सुधारने का कोशिश करोगे तो आपके लिए नॉट गुड। और तीसरा ये बिंदु है कि जो सामने मीठा बात बोलेगा देखना, वही पीठ पीछे छोरा भूकेगा। और इस समय क्या होता है, साढ़े साती के दौरान आपका एनर्जी में कहीं ना कहीं से कमी होता है। तो कल तक जो आदमी 10 नमस्कार करता था, साढ़े साती में आपको ऐसे बदनाम करवाएगा कि आप रास्ते में चलने का काबिल नहीं बनोगे। सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ होता है, इसलिए मैं सबको सावधान कराता हूँ, डराता नहीं हूँ। तो ये सब अगर आप समझ गए एक बार, फिर आप कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम प्रॉब्लम को समझ जाएं तो 70% तो समाधान वही हो जाता है। ये जान लो फिर जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए एकदम करिए, लेकिन ये जान लीजिए, ये मेरा बात को एकदम रिकॉर्ड करके कॉपी में लिख के जाइए कि ये हो सकता है, मेरे को सावधान रहना है और काम करना है।
रूल वही रहेगा अंडर, हाँ बोलिए। नहीं ऐसे 7:30 ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन गुरु का आज्ञा है, गुरु का आदेश है ना, आपका जो धर्म गुरु है या आपके आध्यात्म गुरु है, गुरु का अवज्ञा करना भी तो पाप लगेगा ना, तो गुरु का आज्ञा जरूर मानना, लेकिन ये जान के जाना है कि देखो 7:30 ही चल रहा है और कुछ भी हो सकता है। नहीं हुआ, गुरु का पावर है, शनि बाबा का पावर है, कुछ नहीं होगा तो बच के पार हो गए, लेकिन 90% केसेस में ये होते हुए मैं देखा हूँ, ठीक है। लेकिन ये एक स्पेशल केस है जो शनि बाबा को 15-18 साल से खुपचा में लिए हैं, सेटिंग करके रखे हैं, 40 साल से शनि को सेटिंग करके रखे हैं, तो इनको शनि क्या करेगा, और ठीक है हाँ, देन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दिमाग में ये बात एकदम मेरा उनका घर में रहना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ, शनि बाबा तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना, और शनि बाबा अपने चेला को ज़्यादा दंड देते हैं कि बेटा तू और परफेक्ट हो जाओ और मजबूत बन जाओ। जैसे मैं अपने कराटे बच्चों को, मेरे हाउस स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादा कष्ट ज़्यादा खटाता हूँ, मेहनत करवाता हूँ, लेकिन बाहर से जो बच्चे आते हैं उनको ज़्यादा नहीं मेहनत कराता हूँ। तो शनि अपने लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, क्योंकि शनि बाबा इज ए परफेक्शनिस्ट, आपको आपके पिताजी को और परफेक्शन बनाएंगे, तो वो तैयारी है और गुरु का आज्ञा है, तो फिर धरती में कौन बाल बांका करेगा बताओ। गुरु है तो शनि भी बाल बांका नहीं कर सकता, ये रिमेंबर इट। गुरु का आदेश मिल गया, गुरु का आज्ञा है, गुरु का पीछे वेश है, और धर्म को मानने वाला, शनि को मानने वाला, उसका कौन बाल बांका करेगा बताओ। तो यू डोंट वरी अबाउट दैट, योर फादर इज इन राइट वे एंड राइट मैनर, ओके। अरे सबको ही थोड़ी, अरे सबको ही फैमिली सुख लेने के लिए जन्म थोड़ी हुआ है। और लग्न से द्वितीय में अगर चंद्र बैठा है, नॉट गुड कहा गया, कभी कम सुख मिलेगा, कभी ज़्यादा सुख मिलेगा, ठीक है। और अगर चंद्रमा से द्वितीय में केतु बैठ गया, तो खेत छुड़ाए खेत, तो फैमिली मानसिक लेवल पे खेत से, यानी मानसिक लेवल में परिवार से विच्युत करता है। शरीर है फैमिली के अंदर, लेकिन ये आदमी बहुत आध्यात्मिक रहेगा, इंटरनली ऊपर से जुड़ा हुआ रहेगा, भगवत सत्ता में जुड़ा हुआ रहेगा। तो इनको सुख क्या है, दुख क्या है, जो शनि को पकड़ के चलता है, दुखेश को, जिसका इष्ट शनि है जैन धर्म होने के बावजूद, वो उसको सुख क्या है और दुख क्या है, क्यों ढूंढते हो मेरा बाप को सुख मिलेगा या नहीं, फैमिली सुख, वो तो उससे ऊपर आ चुका है ना आदमी। ये व्यक्ति सुख से और दुख से ऊपर है, इनको सुख दुख का कोई मतलब नहीं है, इनको दुख भी सुख लगता है और सुख भी दुख लगता है। बताओ करेक्ट बोला या गलत बोला। बुढ़ापे में अकेलेपन होना, बुढ़ापे में अपने नाती को ढूंढना, अपने नातिन को ढूंढना, अपने बेटा का बेटा बेटी को ढूंढना, ये बुढ़ापे में यानी आफ्टर 50 हर व्यक्ति के अंदर आता है कि मैं बच्चों के साथ खेलूं, क्योंकि वो खुद बच्चा हो जाता है। इट इज़ ट्रू, ये मना नहीं है। आपका जो ये प्रश्न है, क्या ये सुख लिखा है या नहीं लिखा है, लिखा है, एकदम लिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा है, लेकिन 7:30 है, थोड़ा सा डिले होगा, और 7:30 में हर मनोकामना पूर्ण होता है ऐसे लोगों का, बट ये जब चाहे तब नहीं, जब शनि चाहे। और आपका जो मैं प्रिकॉशन दिया हूँ आप करके देखो, वो धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसा आज तक किसी का नहीं हुआ जिसका शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, सबका हुआ है, थोड़ा सा डिले होता है, ठीक है। शनि माने डिले, और डिले होगा। नहीं, आर्थिक स्थिति का बात करते हो तो लाभ के घर स्ट्रांग है, धन का घर अप डाउन है, चंद्रमा रहने से अप डाउन होता है, ये कंडीशन है। लेकिन लाभ का स्थिति बहुत अच्छा है, इसलिए उसका चिंता तो नहीं करना है। लेकिन 7:30 एक ऐसा मोमेंट रहता है कि अच्छे अच्छों का छक्का छुटा देता है, इसलिए थोड़ा सावधान होकर चलना चाहिए। नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद, मेरा प्रेडिक्शन अच्छा है, आपको अच्छा लगा तो हो गया। जी 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 यूट्यूब में सुनते हैं, उनको अच्छा लगा, धन्यवाद धन्यवाद।